16.2 कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल। आप सभी ने लकड़ी का कोयला तो देखा ही है। यह काले रंग का भंगुर पदार्थ है जो बहुत ही कम समय में बनता है। हम यहाँ पर जिस कोयले की बात कर रहे हैं वह काले रंग का परंतु पत्थर के समान कठोर होता है। आप यह जानते हैं कि भूगर्भ में दबी वनस्पतियों के विघटन डीकम्पोजिशन से कोयले का निर्माण हुआ है। ये विघटित वनस्पतियाँ सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित होती हैं तथा लगातार उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रमशः लिग्नाइट, बिटुमिनस व एंथ्रासाइट कोयले में बदल जाती हैं। कोयले के विभिन्न प्रकारों की परतें, जैसा कि चित्रानुसार दर्शाया गया है, कोयले में मुख्यतः कार्बन एवं उसके यौगिक होते हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले को इस प्रकार वर्गों में बांटा गया है। 1. पीट। यह वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की पहली अवस्था है। इसमें लगभग 25 से 35% कार्बन होता है। इसका उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है। 2. लिग्नाइट। यह कोयला भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 35 से 45% तक कार्बन होता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। 3. बिटुमिनस। यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तथा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला कोयला है। इसमें कार्बन लगभग 45 से 85% तक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः तापीय और सीमेंट संयंत्रों में, पेपर कारखानों में, ऑटोमोबाइल एवं वस्त्र उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात संयंत्रों में कोक के रूप में भी किया जाता है। इस कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। 4. एंथ्रासाइट। इसे कठोर कोयला भी कहते हैं। यह एक उत्तम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन 85% से अधिक होता है। अधिक कार्बन प्रतिशत के कारण यह अधिक समय तक जलता है। इससे धुआं और राख कम उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। इन प्रकारों में हमने देखा कि कोयले के विभिन्न रूपों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। इससे ऐसा लगता है कि कोयले में सिर्फ कार्बन है, परंतु ऐसा नहीं है। कोयले में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आर्द्रता, नमी आदि भी पाए जाते हैं। कोयले के इन प्रकारों की समान मात्रा को जलाने पर ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मीय क्षमता के आधार पर व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से इनकी ग्रेडिंग की जाती है।